As you would know, you completed, हमने 3 साल कंप्लीट कर दिए हैं, अभी ये चौथा साल चल रहा है. हमारे दो बैचेस भी ग्रेजुएट हो गए हैं, तो अभी हम करीबन 20 फैकल्टी 240 स्टूडेंट्स वो साइज के हुए हैं. अभी हमने ये 3 साल में अच्छे फाउंडेशन बनाए हैं और हम चाहते हैं कि हम एक ग्लोबली रिकग्नाइज वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट यहाँ बनाए. एंड इनिशियली जो हमने कोशिश की है, काफ़ी हमें वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जब तक जो हुआ है उसमें हमें अच्छा बेस बनाया है. एक चीज़ हमें पे हमने काफ़ी ध्यान रखा है पहले से कि हम जो फ्यूचर लीडर्स बनाते हैं वो सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स से वो फाइनली फ्यूचर लीडर्स बनेंगे. तो हमने कोशिश की है प्रोग्राम में कि कैसे हमें सोशली रिस्पॉन्सिबल केयरिंग लीडर्स बनाए, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें की हैं, कुछ संक्षिप्त में हम बताएं. तो एक तो हम हमारे सब स्टूडेंट्स गांव में जाके 4 से 5 दिन गुजारते हैं एनजीओ के साथ, तो समवेयर इट चेंजेस देम. यू नो, वी आर सिटिंग हियर उदयपुर में, आप अगर 20 किलोमीटर बाहर जाते हैं तो कुछ अलग दुनिया है. तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दे अंडरस्टैंड द रियल इंडिया. तो ये जो रूरल इमर्जन है इज बीन अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर करिकुलम एंड एवरी स्टूडेंट गोज थ्रू दिस एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एनजीओस फ्रॉम उदयपुर इन दिस एरिया. द सेकेंड थिंग वी डू इज कि भाई यू नो, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बिजनेस तो काफ़ी इमेज ऐसी होती है कि खाली प्रॉफिट के फोकस होते हैं, तो इसके लिए हम अगेन करिकुलम में बिजनेस एथिक्स पे काफ़ी फोकस करते हैं. उसका कोर्स भी है, तो कैसे हमारे स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड फाइनली देखो, मोस्ट ऑफ देम विल गो टू कॉर्पोरेट सेक्टर, बट हाउ डू वी मेक श्योर कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर भी सोशली रिस्पॉन्सिबल. तो CSR पे काफ़ी फोकस है हमारे करिकुलम में. अगर उससे ज़्यादा आउटसाइड करिकुलम हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड वी आर वेरी प्राउड मेक श्योर दे रीच आउट टू वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. इट कुड बी स्टूडेंट्स, इट कुड बी यू नो फॉर एग्जांपल दे आर डन अलॉन्ग विद द